हाय, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं सभी? बढ़िया है। वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। सभी बढ़िया है। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन के लिए, जो कि है आपका टेस्ट नंबर 20। तो फाइनली हम लोगों ने काफ़ी सारे टेस्ट कर लिए हैं, टोटल में आपके 40 टेस्ट करवाने वाला हूँ, जैसा मैंने आप लोगों से बोला था। ओके, तो आज टेस्ट आपका 20 होगा और फिर मंडे को रहेगा आपका 21, फिर वेनसडे को 22, फिर फ्राइडे सैटरडे 23, 24 और इसी सिक्वेंस में आपके काफ़ी सारे टेस्ट हैं। यहाँ पर 40 टेस्ट का जो प्रॉमिस है वो आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो और अनअकैडमी पर अगर आप जुड़ना चाहते हो, तो हमने एक रिसेंटली एक आपके लिए गुरुकुल बैच स्टार्ट किया है, जिसमें जितने भी हमारे सारे टॉप एजुकेटर्स हैं वो यहाँ पर आपको MPPSC के प्रीलिम्स यहाँ पर रिगार्डिंग टीच करेंगे। तो आप प्लीज़ इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करिएगा अगर आप MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है, अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर मेरे कोड के थ्रू सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ADYT मेरा कोड है, अंकुर दुबे मेरा नाम है, एंड YT इज जस्ट फॉर यूट्यूब। सो यूज दिस कोड एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सेकेंड चीज़ ये है दोस्तों आपके लिए कि अनअकैडमी का एक अनाउंसमेंट भी है। अब अगर आप किसी भी एक सेपरेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक पटवारी की कर रहे हो, MPPSC की कर रहे हो, व्यापम MPP वगैरह की, तो आपके लिए हमारे सेपरेट बैचेस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो जैसे आपने मेरा यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज देखा, ऐसी बहुत सी टेस्ट सीरीज एक हमारी पेड कोर्सेज में भी चल रही है, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। प्लस प्लेटफॉर्म पे जो रेगुलर क्लासेस हैं आप उनका बेनिफिट ले सकते हो, और अगर आपको एक मेंटरशिप चाहिए तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ओके, टेस्ट सीरीज में हम टोटल 40 टेस्ट करने वाले हैं। आज 20th नंबर का टेस्ट है आपका, और FLT की भी आपके लिए जल्द अनाउंसमेंट्स मिल जाएगा। मंडे से कुछ हम न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आपके, प्रोबेबली रात तक या कल तक आपको अपडेशन मिल जाएंगे यूनिट 9, जो कि आपकी स्पेशल क्लास पर होने वाली है। टाइमिंग मॉर्निंग रहेगा, टाइमिंग के साथ साथ आपका टॉपिक क्या रहेगा, थंबनेल क्या रहेगा, आज रात तक अपडेट हो जाएगा। मंडे से 2 नई क्लासेस आपकी शुरू हो रही, तो प्लीज़ आप उन क्लासेस की भी तैयारी करना। और अगर आपको इस टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो प्लीज़ कोशिश क्या करो, कमेंट के साथ कॉपीज़ में आंसर करो। 20 टेस्ट हमारे हो चुके हैं, 19 टेस्ट, तो आपकी परफॉर्मेंस का जो एवेल्युएशन है वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके, सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, एंड आज का टारगेट है मेरा 77 मार्क्स। तो लेट्स सी आज कौन हमारे 77 मार्क्स के टारगेट को बीट कर रहा है। ठीक है, चलो सृष्टि जी कोई बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, बताएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल, ठीक है, क्या था? 50% टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। दोस्त मुझे थोड़ा सा कुछ काम भी रहेगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग टेस्ट सीरीज यहाँ पर अटेम करो, बस मुझे हार्डली 10 to 15 मिनट्स बस यहाँ पे लगेंगे। तो आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज को अटेम करो, मैं जस्ट यही हूँ, है ना? ओके, तो आंसर इसका ए। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग जहाँ पर भी अटेम्प्ट करो उसको सर्किल लगा लिया करो और लास्ट में नोट कराया करो। कल आप लोगों ने 3 डाउट बताए थे, वो डाउट क्या थे, वो टाइपिंग एरर हो चुका था, है ना? कंटेंट सही लिखा था, टाइपिंग एरर के डाउट थे। ओके, चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे।
हाँ जी, हम यही हैं, कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा 11th का? तो आंसर इसका केसी हम यही हैं, रेड्डी। कहीं नहीं गए हैं। ओके, अगला, मध्य प्रदेश में अब तक कुल कितने लोगों को प्रभारी राज्यपाल बनाया गया है? आज से आप लोगों की यूनिट 5 शुरू हो चुकी है ना, अब यूनिट 5 के रहेंगे, टोटल 4 है, 6, 7, 8, 9, 10। यूनिट 9 भी शुरू हो रही है परसों से, सेपरेट 9, 10 और FLTs के भी बारे में पता था, बताने वाला हूँ। आंसर था इसका C, 5। नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश में अब तक कुल कितने राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले न्यायाधीशों की संख्या है? मतलब टोटल इसने कितने न्यायाधीश हैं जिन्होंने मतलब राज्यपाल के तौर पर भी काम किया हुआ है, बताइए कितने मिलेंगे आपको? आंसर इसका B, 3। नेक्स्ट बताइए, रश्मि जी, सृष्टि, कविता जी, मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के लिए हुए वर्ष 2018 के चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर क्या था? कितना सबसे कम अंतर रहा होगा? आंसर है इसका A। ठीक है, नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश में अब तक कुल कितने राज्यपाल पद पर पदासीन रहे? बताइए क्या रहेगा आंसर? आंसर है B। नेक्स्ट वन, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गौर से लगाइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो अब जल्दी जल्दी बताओ, किस किस ने इसका आंसर गलत लगाया था बिना पढ़े? रोशनी, रश्मि, सृष्टि, साक्षी, दसौंधा पटेल जी, जयप्रकाश, कल्पना दी। टू बी फ्रेंक, कौन कौन था जिसने गलत आंसर कर दिया था? गलत आंसर कैसे किया था कि इतने सारे ऑप्शन थे, पंडित रवि शेखर, रवि शेखावत, रवि शंकर, सबने सही लगाया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर तो गौर से पढ़े थे सभी। 17 बताओ, कविता जी ने गलत लगा दिया। गुड, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फोकस्ड होके पढ़ना पड़ता है इन क्वेश्चंस को। बताइए, सी लगा दिया था। गुड, 17वें का बताइए आंसर इसका, हमारा गाई बी। ओके, दीपक सक्सेना जी, नेम लर्न नहीं होते। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चंस को फोकस्ड होके पढ़ो। ठीक है, अगला, सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? कौन था जो सबसे कम टाइम पीरियड के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं? आंसर इसका सी, राजा नरेश चंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान बताइए, कविता, साक्षी जी, संजीव कुमार जी, कितने हैं? 35, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47, टोटल 230। अगला, पहली बार राष्ट्रपति शासन किनके समय पर लगा था? अब 1977 में तो लग गया, दूसरा 80 में लग गया, तीसरा 92 में लग गया, पर टाइम पीरियड पर कौन थे? हाँ जी, कविता मुकुल, कविता जी, सृष्टि, कल्पना। आंसर है सुंदरलाल जी। तो सुंदरलाल पटवाजी आपको मिलेंगे और श्यामाचरण शुक्ला जी मिलेंगे। ठीक है, ये दो ऐसे पर्सन हैं जिनके समय पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अगला, मध्य प्रदेश विधानसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? पटवाजी के समय 2 बार लगता है, पता है, श्रद्धा, जयशंकर, ललित, सृष्टि, साक्षी, रोश। ये क्लास मंडे से डेली हो जाएगी। डेली रहने वाली ये क्लास अब।
आंसर इसका सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप अन अकेडमी पर, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है अंकुर दुबे अन अकेडमी, प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लेना। ओके, मुझे 2 मिनट दीजिए, जब तक आप लोग क्वेश्चंस करिए, जस्ट गिव मी अ 2 मिनट्स। ओके, मैं जस्ट आता हूँ, जब तक आप इन क्वेश्चंस को करिए। बताइए दोस्तों क्या रहेगा आंसर? आंसर इसका सी, मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला आंसर बताएं, राज्य शासन का औपचारिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य शासन का, कल्पना, श्रद्धा, कविता, मनीषा, प्रिया, दसौंधा जी। आप सभी लोग अपना मंडे का टॉपिक देख लो, ये लिखा है मध्य प्रदेश की जनांकिकी जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, ये आपका टॉपिक है तो परसों कल होने वाला है। आंसर इसका ए। मैं नहीं जाया करूं, अरे यार सृष्टि जी यही है, बताओ 28। आप लोगों को तो और अच्छा होना चाहिए, मैं रहता हूं तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोगों को तो पीएससी जैसा माहौल बना के क्रिएट करोगे कि साइलेंट क्लास चल रही है, क्वेश्चन आ रहे हैं चुपचाप, वो तो और मजेदार होगा। नेक्स्ट 29 बताओ। ठीक है, एक्चुअली कुछ वर्क चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर पॉज ले रहा हूँ आपसे, और कुछ नहीं है। ओके अच्छा, कोशिश करके देखो 20 एक क्वेश्चन करके, फिर मुझे बताना कैसा लगता है 50th नंबर के क्वेश्चन का, एक साइलेंट वे में, जैसा पीएससी का पेपर होता है ना, चुपचाप बिल्कुल नीचे गर्दन करके गोले बना रहे रहते हो क्वेश्चन पढ़ रहे, ऐसा करके देखो 10 क्वेश्चन, फिर मुझे बताना कैसा।
बताएं मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएं हैं, इस क्वेश्चन को मटाते हैं ना। अभी एट प्रेजेंट 98 के अराउंड हमारे हो चुके हैं, ठीक है। रोशनी जी, हाँ जी, आ गए ना, हम कहाँ जाएंगे यार, यही तो है। अगला, मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं, कैसे हैं आप कविता, रश्मि, खुशबू जी, वॉइस आ रही होगी अब तो, इधर जाएगी यार, वॉइस इधर ही रहेगी। आप सभी टेलीग्राम ग्रुप अंकुर दुबे अकेडमी से जुड़े हैं ना। आंसर इसका ए। प्लीज अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो जरूर पूछना, अपडेटेड ही है सारा डाटा। उच्च न्यायालय का प्रधान है ना आसन है कहाँ पर है, आंसर रहेगा इसका बी। नेक्स्ट वन, वर्ष में इंदौर नगर निगम की स्थापना कब की गई, बताइए कब की गई थी। आंसर 1956। अगला, श्री श्याम सुंदर है ना किस विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, अगला 1950 में ब्रिटिश सेंट्रल प्रांतों और बरार में निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया, नेक्स्ट वन, श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी का जन्म कहाँ हुआ था, सही है। आंसर इसका हमारा गुजरात। अगला, मध्य प्रदेश की जिला कलेक्ट्रेट के दायित्व में सम्मिलित नहीं है, आंसर डी, ठीक है। किसी भी तरह से जिला कलेक्टर जिला जज के रूप में काम नहीं करते। निम्नलिखित में से किस राज्यपाल की मृत्यु पद पर रहते हुए, अगला, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के संकल्प पारित करने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है,
सी है। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? कौन है? आंसर बताइए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहे इस लास्ट में नोट डाउन कराना। सृष्टि जी, दया शंकर, सृष्टि जी। और मैं आपसे बोलता हूँ, इस क्लास की पीडीएफ डेली बेसिस पे तो अपडेट हो रही है यार, कौन है ऐसा जिसको नहीं मिल पा रही है यार? ऐसे क्यों बोलते हो? मतलब कर रहा हूँ ना, आप तो खुद देख रहे हो यार, क्लास के जस्ट 15-20 मिनट बाद जो भी आपके डाउट के क्वेश्चंस होते हैं उनको हटाने के तुरंत बाद ही तो पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। तो प्लीज़ यार, मतलब पीडीएफ को आप ज़रूर लें, है ना? जिस भी तरह का, 38 का रॉन्ग, 33 का हम अभी देख लेंगे ना। जब मैं आप लोग को पीडीएफ शेयर करता हूँ ना इसकी, तो मैं आप लोग के जो भी डाउट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना उनको रीचेक करता हूँ, उनके आंसर्स को। अगर सही होते हैं तो मैं वैसे ही के वैसे एज इट इज़ भेज देता हूँ, नहीं होते हैं तो मैं चेंज करके भेजता हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ कि आपने जो बोला, मैं गूगल करता हूँ, मैं किताब में देखता हूँ, है ना? आप जितनी भी क्वेश्चन बोलेगे सभी को रीचेक करके भेजता हूँ। तो आपने 33 नोट कराया तो उसको मैं चेक करूंगा, उसके बाद ही आपको पीडीएफ अपलोड करूंगा माय डियर। 72 का आंसर है बी, तो प्लीज नोट करा रहे। जो भी नहीं ले पा रहे हैं आप अंकुर दुबे अकेडमी ग्रुप पर जाओ, इधर उधर, मतलब आई ऑल्सो डोंट नो कि मुझे नहीं पता कि मेरे ये टेस्ट कितने ग्रुप्स में शेयर हैं, और कुछ लोग मेरे मेरे नाम से मेरी डीपी लगाकर टेलीग्राम का मिसयूज करते हैं। पर्सनल मैसेज भी आप लोगों को मिलेंगे, आप लोग हो सकता है प्रोबेबली रिप्लाई कर दें कि ये मैंने किया है, बट मैं नहीं करता किसी को कोई भी पर्सनल मैसेज, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई भी पर्सन मेरी डीपी लगाकर अगर आपको कोई मैसेज करता है, किसी भी तरह की कोई भी डिमांड करता है ना, बोलता है कि आप अपना नंबर शेयर कर दो पर्सनल ग्रुप के लिए, तो मैं, मेरी टीम, एन अकेडमी का किसी भी तरह का कोई भी एजुकेटर इस तरह के काम नहीं करता है। कोई भी पर्सनल ग्रुप हम लोग नहीं बनाते रहते, वैसे फ्रॉड में मत आना। थैंक यू सो मच कविता जी। सेवेंटी फोर का आंसर है बी, ओके, 72.52। मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा किस तिथि को लोक सेवा गारंटी विधेयक पारित किया गया? अंकुर जी मैंने अकेडमी, जी हाँ, जी हाँ, द स्माइल फ्री तो चल रहा है मेरा कोर्स। आप फ्री तो है, 40 टेस्ट का प्रॉमिस किया हूँ मैं, 20 नंबर के टेस्ट आप फ्री तो दे रहे हो, स्लाइड पे भी दे रहे हो, पीडीएफ भी मिल रही है, और क्या चाहिए माय डियर? क्या चाहिए बताओ ना, प्रिंटआउट फॉर्मेट की पीडीएफ भी मिल रही है, अभी नोट्स जो मेंस के हैं सारे फ्री कर दिए, कल तक आपको पूरी की पूरी जो फ्री प्रीलिम्स के यूनिट्स हैं वो भी मिलने वाले हैं। हाँ जी, कल आपको यूनिट 1, 2, 3, 4, 6, 7, है ना, 9 और 10, ये सारे नोट्स आपको कल अवेलेबल हो जाएंगे। 5 और 8 कुछ टाइम बाद अपडेट होगा। नेक्स्ट वन, कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे? कौन थे जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे? अंकुर इसका दी, गोविंद नारायण जी। नेक्स्ट, महविनवा कन्या विश्वविद्यालय की दो छात्राओं को नर्मदा नदी में डूबने से बचाने के लिए गुजरात सरकार ने किसी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया? वेरी गुड, 78 का जो आंसर रहेगा वो है ए, ओके।
बेल पटेल। नेक्स्ट वन, फिर ये ओपी कोहली जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब बने थे? ओपी आंसर डियर बी 2016। नेक्स्ट, 1999 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्काउट्स एंड गाइड्स फेलोशिप के चेयरमैन किसे बनाया गया था? आंसर इसका बी रामेश्वर ठाकुर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल कितने निदेशालय संचालनालय हैं? कितने निदेशालय और संचालनालय हैं हमारे मध्य प्रदेश में? आंसर है इसका बी टोटल 63 मिलेंगे आपको। अगला, शंकरदयाल शर्मा जी कहाँ के राज्यपाल नहीं बने? ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा है आजकल एमपी जी। दयाशंकर पटेल जी, रश्मि, संजय रोशनी, दसौदा पटेल, कविता, इजी लर्निंग, श्रद्धा, सुनीता, बताइए दोस्त। आंसर है इसका बी मध्य प्रदेश। देखो डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, ठीक है। 84 में आंध्र प्रदेश के रहे, पंजाब के रहे, महाराष्ट्र के यहाँ पे रहे, ठीक है, उपराष्ट्रपति तक रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा हेतु आचरण समिति का गठन कब किया गया? कोर्स कवर हो रहा है आपका, साक्षी चतुर्वेदी जी, दयाशंकर पटेल, दसौदा, श्रद्धा, कविता, प्रिया, रश्मि, मतलब जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं आप लोग पढ़ पा रहे हो? कल के टॉपिक्स पता है ना सभी को? आंसर इसका बी अगस्त 2015। श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी मध्य प्रदेश के किस क्रम के राज्यपाल थे? यूनिट 1, 2, 3, 4 तो हमारी कवर हो रखी है, इस महीने में आपकी 4 भी कवर होगी, 5 और 6 भी कवर हो जानी है इस महीने में। आंसर रहेगा इसका आपका 30वें। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ है? वेरी गुड, रोशनी मुकुल, इजी लर्निंग, सुनीता, दशोदा, सृष्टि, रश्मि, वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, जबलपुर हर कोई जानता है। मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2009 के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ प्रारंभ किया गया? आंसर है बी बैरसिया, भोपाल में ही है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष, लाइक्स बहुत कम यार, नाराज हो क्या इसी बात से? फैशन अच्छा नहीं लग रहा, टाइमर ज्यादा है क्या, टाइमर कम है? आओ ना, चलो आंसर है सी जमुना देवी। अगला, राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? बताइए क्या न्यूनतम आयु? आंसर इसका ए 25 वर्ष। अगला, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के कौन है? विधानसभा के लिए 25 ही लगता है ना जयशंकर जी, पंचायती चुनाव थोड़ी है। आंसर है नरोत्तम मिश्रा जी। नेक्स्ट वन, इस वर्ष विजय राजे सिंधिया जी सदन की नेता रही हैं, शिवपुरी से है आई थिंक।
आंसर इसका ए, 87 से 67 से 69 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिग्विजय सिंह डैश में पैदा हुए, किधर हुए थे पैदा? दिग्गी राजा, प्लीज आप लोग इस टेस्ट को डेली अटेंड करना, मंडे टू सैटरडे में करने वाला हूँ इस टेस्ट को, और टॉपिक वाइज के साथ इसमें FLT भी इंक्लूड कर दूंगा। आंसर इसका ए, इंदौर। अगला क्वेश्चन, 30 दिन तक मंत्री परिषद के बिना कार्य करने वाले मुख्यमंत्री? कौन थे ऐसे? आंसर इसका सी, शिवराज सिंह चौहान जी। नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रथम सभापति कौन थे? आंसर कौन रहे हैं सभापति प्रथम? गुड, आंसर है ए, कुंजीलाल दुबे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सही कालानुक्रम? आराम से करना, टाइम दे दिया, बंद कर दी स्टॉप वॉच, ठीक है? अब चालू कर रहा हूँ। हाँ जी, गिरीश गौतम जी। आप लोग अंकुर दुबे अकेडमी ग्रुप ज्वाइन कर लो प्लीज, सभी वहाँ पर इस क्लास का PDF मिल जाएगा। आपने 33 नंबर क्वेश्चन में डाउट बताया है मुझे, उस डाउट वाले क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व करूँगा और फिर अपलोड करूँगा, तो जिस किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो जॉट डाउन करा देना लास्ट में मुझे, या अभी भी कराना हो अभी भी करा दो। 95, मिंटो हॉल के नाम से निम्न में से कौन सा हॉल जाना जाता है? मीना जी कैसे हैं आप? सबिता, दसोता, सुनीता, संजय, साक्षी, दया शंकर जी, प्लीज दया शंकर जी, सोनू वर्मा, श्रद्धा, रश्मि। आई थिंक आप लोग कॉपी पे नहीं कर रहे हो, 20 नंबर का टेस्ट है। जब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके 21 और 26 नंबर में कितना स्कोर था, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, तो कैसे बताओगे? प्लीज़ आप कमेंट के साथ साथ कॉपी में भी करो यार, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, इवन आपको भी लगेगा, मुझे अकेला नहीं। ऑलवेज वेलकम रुचि जी, वेरी गुड, नाइस रुचि राय जी, लेजिस्लेटिव असेंबली, सही। 96 का, आप अंकुर दुबे अकेडमी ग्रुप पर जाओ। रहे हैं आप सृष्टि जी, गुड इवनिंग दुर्गा जी, लेट हो गया आज आप काफी। 1993, अगला, निम्न में से कौन से राज्यपाल अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे? कौन से राज्यपाल है? कॉपी में कर रहे हो, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर था डी, उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती जी का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ था इनका जन्म? वेरी गुड, आंसर है ए, टीकमगढ़ में। अगला, वार्ता मध्य प्रदेश किसकी प्रमुख पुस्तक है? आई जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ मैनी ऑफ यू क्रैक्ड माई टारगेट, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू 77 मार्क्स, दिस इज माई टारगेट, एंड कितने हैं जिन्होंने इस मार्क को क्रैक किया है? आई जस्ट वॉन्ट टू सी योर नेम्स। आंसर इज सी, चौहान जी, हमारे प्यारे मामा। सेकेंड, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर महीने राज्य की जनता को संबोधित करने के लिए डैश नामक रेडियो कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये भी थे जो मन की बात चालू करे थे? अच्छा, तो आंसर इसका
सी, दिल से। हाँ हमने लिख लिया, रितिका आपने 51 बताया है, रश्मि ने 33 बताया है। एक 51 का डाउट है, एक 33 का डाउट है। और किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है? 51, 33, प्लीज डाउट क्वेश्चन लिख देना, नहीं तो आप वहाँ पे डाउट क्वेश्चन लिखो, मुझे लगे आपका स्कोर है। कल का टॉपिक देख लो, कल मतलब मंडे को, मंडे का टॉपिक है मध्य प्रदेश का जो पूरा सेंसेक्स है उसको पढ़ना, और आर्थिक विकास इसको पढ़कर आना, बजट को खासकर पढ़ लेना, काफ़ी क्वेश्चंस आपको वहाँ से मिलेंगे। इस तरह से टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहा हूँ, पूरे 40 टेस्ट आपके होंगे। आज आप प्रेजेंट हैं 20th नंबर के टेस्ट में, जिसमें हमने यूनिट 5 शुरू किया हुआ है। पूरे टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा आपको 40 के 40। इसी तरह से शेड्यूल्ड है सारी क्लासेस, अब FLT भी स्टार्ट में आपकी जल्द करने वाला हूँ। कोशिश किया करो इस तरह से कॉलम्स आप बना लो और कॉपी में टेस्ट करो, कमेंट बॉक्स में नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपकी प्रेजेंस मुझे वहाँ दिखती है। अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन कभी भी करो, मेरा कोड ADYT यूज़ करना, डेफिनेटली आपको बहुत सारा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा जो भी उस समय पर मिल रहा होगा। इस क्लास की प्रिंटआउट PDF अभी जस्ट टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी सेशन के तुरंत बाद ही, तो आप जाकर इसकी PDF ले लीजिएगा, और किसी तरह का कोई भी बग हो मुझे प्लीज़ बताना, है ना। एंड आपका कमेंट का मैं हमेशा वेट करता हूँ यार, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हाँ जी, 83 इन सर, नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। 59 भी बताया आपने डाउट में, नोट कर लेते हैं। 51, 33 एंड 59 ये क्वेश्चन डाउट के हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम मैम। 86 गुड, 95 मुकुल, क्या बात है यार, आज तो सृष्टि को भी हरा दिया आपने। 58 पूजा, नाइस। डाउट 33, 43, 33 लिखा है, 43 भी बता दिया आपने डाउट वाला। 46 और 52, 46 और 52, ठीक है, ये डाउट क्वेश्चन है, मैं देख लूँगा अभी। 59 ऑलरेडी लिखा हुआ है डाउट वाला क्वेश्चन, ओके गुड। साधना जी 33, 43, 40, 52, 33 लिखा है, 43 लिखा है, 40, 52 ये लिखे हुए हैं डाउट के क्वेश्चन। 80 रश्मि जी गुड, 96 सही थे, आज तो आपने मुकुल को भी बीट करा। टीटू जी प्राउड ऑफ यू यार, मुझे आपका स्कोर बहुत प्यारा लगता है दोस्त, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। 75 पूजा जी, स्कोर बढ़ाया आपका भी, नाइस। जय शंकर जी, आपको टॉपिक बताता हूँ ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तथ्य पाठ पढ़ा करो, तथ्य पाठ बुक, नाइस रोशनी 92। आज तो सभी ने ब्रेक किया है, ऋषिका 70, कविता 78, काजल है हल्दिकर जी 71, गुड, 69, नाइस, थैंक यू सो मच रश्मि जी, यू आर ऑलवेज वेलकम। 69 रश्मि जी बढ़ाओ यार, यही आसपास ही रहते हो आप इस स्कोर के, गुड प्रिया, लास्ट टाइम भी इसी इसी के आसपास ही था आपका स्कोर। ईशानी 78, गुड, प्राउड ऑफ यू, अच्छा अचीवमेंट। 70 कंचन, 56 इप्साना जी, वेरी बैड, उम्मीद ज़्यादा की थी आपसे बट कम है। रुचि 79, गुड, दृष्टि गुड, अरविंद कौन 65 मार्क्स लेकर आता है। चैलेंज कबूल है सभी को? कबूल है, थम बना देना एक बार। चलो पहला क्वेश्चन बताओ, गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर क्या कर रहे हो, पहली ही बॉल आई और वो भी बाउंसर, ऐसा थोड़ी होता है सर, आने तो दो, प्लेट लेट करेंगे थोड़ा सा, मतलब आते ही साथ एकदम बाउंसर्स चालू। हाँ आंसर रहेगा इसका, क्लियर, इसका आंसर है हमारा ए, पढ़ लीजिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजेंद्र गोशल जी ने किया था इसका उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अभी तो बाउंसर ही बाउंसर आएंगे आज। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने 8 नवंबर 2022 को मातृभाषा सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की? इकोनॉमिक्स है भाई, जब टारगेट 65 दिया है तो ऐसे थोड़ी दिया होगा, कुछ सोचा होगा, समझा होगा, कुछ क्वेश्चंस वैसे बनाए गए होंगे। आंसर इसका बी, गृह मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में सबसे अच्छा शासित छोटा राज्य का स्थान दिया गया है?
कोई लेट नहीं हुए, दो क्वेश्चन ही निकले हैं अभी। आंसर रहेगा थर्ड का हमारा, ईयर ए, सिक्किम छोटा शासित राज्य का दर्जा पीएसी में मिला है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल विवाह की दर सबसे अधिक है? मैं आपको फिर से बता देता हूँ, प्रिंटआउट नोट्स इस क्लास के मेरे टेलीग्राम पर मिलेंगे, अंकुर दुबे अनअकैडमी पर, वहां जाके देख लेना। आंसर ए। अगला, मानव विकास रिपोर्ट 22 के अनुसार लिंग असमानता सूचकांक, ठीक है, भारत की रैंकिंग क्या है? क्या रैंकिंग है हमारी इंडिया की? वेरी गुड, आंसर इसका ए। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताएं, शिवा, सुनीता, लव, आयुषी, विद्या, पढ़ लिए होंगे आपने। देखो लव क्या होता है, नोट्स में ऑलरेडी दे चुका हूँ, गूगल ड्राइव दे चुका हूँ, अब क्लिक तो आपको ही करना पड़ेगा ना उस ड्राइव पे। टेलीग्राम पर पिंग है, क्लिक करोगे नोट्स खुल जाएगा, पढ़ लो, अच्छा लगता है, प्रिंट आउट ले लो। अब इससे ज्यादा मैं और बताओ क्या करूँ यार, लाइक सारे नोट्स 1, 2, 3, 4, 8 के तो दे नहीं सकते क्योंकि करेंट अफेयर है, 5 देना है तो मैं मतलब फर्स्ट वीक तक कोशिश करूंगा, मेंस के सारे नोट्स, इससे ज्यादा यार आई कांट। सब दे दिया, पूरे नोट्स, कोई बच्चा किसी भी गांव में देहात में भी हो, बस इंटरनेट हो, आराम से पढ़े, एक किताब भी नहीं भी खरीदेगा तो भी पीडीएफ से पढ़ लेगा, कहीं नहीं है, कोई गूगल ड्राइव नहीं है ऐसे जहां पर मेंस के प्री और मेंस के दोनों के नोट्स अवेलेबल हो। अब इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा यार सारी चीजें, और जितना मुझसे बनता है मैं और एक्स्ट्रा चीजें करके भी देता हूँ, ठीक है। दूसरा स्थान, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया? थैंक यू विद्या जी, प्रिंट आउट के पहले आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हैं, प्रिंट आउट फॉर्मेट में है, मतलब आपके पास जो मतलब कहते हैं ना नॉर्मली एक स्टूडेंट्स के एक प्रिटेंट होते हैं, सर नोट्स ये होते तो पढ़ लेता, एमसीक्यूज होते तो पढ़ लेता, 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू, नोट्स भी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, FLT, किताबें रीड, रिवीजन तक करवाया है, एक जो गार्जियन होते ना उस तरीके से, एक एजुकेटर जो मैं हूं आपका, तो जितना मुझसे बन सकता है मैंने उससे कई गुना ज्यादा करके दे रखा है, और ये आप लोग तो जानते ही हो। आंसर 9 का ए, आधारभूत संरचना। इसीलिए तो रखिए सामान्य कि हर किसी को समझ में आए। आंसर बताइए इसका 10th का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर जल पृथ्वी प्रमाणित वाला पहला राज्य बना है? आंसर रहेगा इसका बी, गोवा, गोवा बना हुआ है। नेक्स्ट बताइए, बीबीसी 110 वुमेन लिस्ट 2022 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थैंक यू सो मच सुनीता जी, इसका आंसर है 11th नंबर का डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है, दोनों गलत है। अगला, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
आंसर रहेगा इसका हमारा डी। अगला, कनाडा में अप्रवासी आबादी का प्रतिशत क्या है? बताएं। आंसर है बी, 23%। निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी किया? फॉरेन का आंसर रहेगा डियर हमारा WIPO। निम्नलिखित में से किस देश को FATF ब्लैक लिस्ट के तहत रखा गया है? वेरी गुड, आंसर है डी, म्यांमार। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्रीन हाउस गैस के शीर्ष 7 उत्सर्जन में शामिल है? क्या डाउन है? आंसर रहेगा 16 का हमारा बी। ओके, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रशिया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व के 3 शीर्ष विश्वविद्यालय बताओ। एक बार इस विश्वविद्यालय की इंग्लिश में स्पेलिंग पूछ ली गई थी मैसेच्युसेट्स की इंटरव्यू में पता नहीं किससे पूछी थी, गौतम जी ने पूछी थी शायद, कुछ ऐसी बात चली होगी। तो ऐसे उन्होंने मैसेच्युसेट्स की स्पेलिंग बता, एक बार मैं भी देख लेता हूँ। MASSACHUSETTS, मैसेच्युसेट्स। आंसर रहेगा इसका हमारा डी, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज। नेक्स्ट बार, निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट जारी की? तो भी गलत है देखा आप। आंसर है 18 का CIEA। वर्ल्ड, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया एज पर द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022? आंसर है ए, 123वीं। निम्नलिखित में से किसने गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट जारी की? रिपोर्ट का क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स में। आंसर है ए, वर्ल्ड बैंक। समकालीन पुर्तगाल डेटाबेस पेयर डेटा द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित यूरोपियन देशों में से कौन सा सबसे बूढ़ा देश है? अब जैसे इंडिया सबसे यंग हो रहा है, तो बताओ सुनीता जी, कोई बूढ़ा भी तो हो रहा होगा देश, आने वाले टाइम में तो जापान हो जाएगा, इनमें से कौन सा है? आंसर है डी, पुर्तगाल। अगला, विश्व की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ देखी गई है? दुनिया की करीब 7-8 अरब है ना जनसंख्या है, 700-800 करोड़ के आसपास है टोटल जनसंख्या, में से 140 करोड़ तो हमारे यहाँ ही है, चाइना से भी ज्यादा हो गए, 30-40 लाख। आंसर है बी, दक्षिण कोरिया। वर्ष 2023 में है ना किसके लिए सकल घरेलू उत्पाद विकास पूर्वानुमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? पढ़ो भाई इंडेक्स।
आंसर है इसका हमारा सी, दोनों के दोनों मिलेंगे। विश्व बैंक ने 6 दिसंबर 22 को वर्ष 2022-23 के लिए भारत में अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का पूर्वानुमान संशोधित कर दिया। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया था इसी टाइप सा। अगला, रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को 1 दिसंबर 2022 को एक पायलट आधार पर शुरू किया गया था। इसमें से संबंधित दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? आंसर रहेगा सी, शुरुआत में यहां 5 शहरों में कवर करेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में विभिन्न सार्वजनिक बैंकों में कितने नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए हैं? आंसर रहेगा इसका डी, टोटल 10। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताइए। शिव, सपना, काजल, अर्चना, कहानी जी, प्रीति, आरती, महिमा, सोनी जी, सुनीता, विनीत, सेजल। आंसर इसका हमारा 27 का सी, दोनों। नेक्स्ट वन, आरआरबी को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है? कोई भी कंपनी, नवरत्न, महारत्न दर्जा जो मिलेगा स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होगी तो किस प्रकार होंगी? आंसर हमारा 28 का ए। नेक्स्ट, 21 अगस्त 22 को सेबी आउटलाउंड एग्रीमेंट फ्रेमवर्क में शामिल हो गया। आउटलाउंड एग्रीमेंट फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर ये क्या हो रहा है आज? इकोनॉमिक्स तो हमने पढ़ी है, मेरी तो ग्रेजुएशन में भी थी, पीजी भी कर लिया हमने इकोनॉमिक्स से, नेट की भी सोच रहे थे, ऐसा पेपर आएगा तो कैसे बनेगा काम? क्यों विद्या, देवांशी जी, सुनीता, वीत, थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी हार्ड पेपर बनाना जरूरी हो जाता है। बहुत दिन हो गए थे 80-80 पार करते हुए। आंसर डी। अगला बताइए भावना जी, ग्लोबल फिनटेक टेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन पूछा था अभी, इसमें दूसरे नंबर पे हमारा इंदौर आ चुका है फिनटेक सिटी में। आज ही पढ़ाया था ना शायद ये क्वेश्चन मैंने तथ्य बाण में। आंसर है ए, मुंबई। नेक्स्ट वन, भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2022 में धनलक्ष्मी बैंक को कड़ी निगरानी में रखा, इसका कारण? 7-8 क्वेश्चन आएंगे, 3-4 तो स्टैटिक होते हैं, वही कर लेना, बाकी 3-4 तो फिर तुक्का देव। होता है कभी कभी ऐसा इंसा जी, गिरता पूंजी पर्याप्त है। इस पीडी के क्वेश्चंस आएंगे 65 के बाद, 65 के बाद आप लोग को 35 जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े सरल मिलेंगे।
वेट करो 65 क्वेश्चन का। 32 का आंसर है सी, इंडियन बैंक। उसके बाद सरल है क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित रहे विदेशी योगदान विनियम अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करो विचार, पर तुक्का ही लगाना है। आप तो आंसर बता दो इसका। केवल ए, ठीक है विनीत जी बताओ। मोदी जी ने हाल ही में शुरू की गई एक नई निम्नलिखित में से कौन सी पहल वित्तीय समावेशन की दिशा में एक कदम है? कौन सा है? ये तो सरल है ना। तो आंसर इसका बी, डिजिटल बैंकिंग इकाइयां। आरबीआई के गवर्नर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए दक्ष मानक एक नई पहल शुरू की है? तो आंसर इसका बी, ठीक है पर्यवेक्षा उद्देश्य इनका केवल। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 23 के लिए भारत के लिए अपने विकास अनुमानों को 1% 1% घटा दिया, तो घटा के कितना कर दिया? ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। कितनी अनुमान बोला उन्होंने जीडीपी रहेगा विश्व बैंक ने? आंसर क्या है इसका? 6.5। निम्नलिखित में से किस बैंक ने ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया? आंसर डी, SBI। कांग्रेचुलेशंस, जिनका तुक्का बिल्कुल सही गया। भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति 22-23 है ना, समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। भारत यूनिट कांग्रेस होते हैं यहां एक दो की एफएस 80 में इसका नंबर का काउंट करें। आरएल साहब तक 40 तो राज्य के